हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, इस वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक को कवर करेंगे जो कि हमारे हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में और जानेंगे। तो जो हमारे बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी है, तो इनका जीवन क्या था, इनकी जीवनी के बारे में, इन्होंने भारतेंदु युग में हिंदी साहित्य में क्या योगदान दिया और भी बहुत सारे इनकी रचनाओं के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो इनका जन्म, तो पहले हम लोग देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो चौधरी जी का जो जन्म है वो 1855 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में दत्तापुर ग्राम में हुआ था। यह भारतेंदु युग के एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में माने जाते हैं। इन्होंने भारतेंदु युग से संबंधित बहुत से कार्यों को आगे बढ़ाया और उसको विकास किया। यह प्रकृति के बहुत प्रेमी थे, यानी कि इनकी रचनाएं जो है अधिकतर प्रकृति के ऊपर ही है। मतलब ये प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, और स्पेशली जैसे यहाँ पर लाइन में बोला गया, विशेष रूप से बादलों के भिन्न भिन्न रूपों को देख कर, मतलब बादलों से इन्हें बहुत प्रेम था। इसलिए इनकी जो लास्ट की जो नेम है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं मेघ धन, ठीक है, तो इनको मेघ धन भी कहा जाता है और मेघ घन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने इसको इतना पसंद आया कि इन्होंने अपना जो लास्ट का नाम है उस पे इन्होंने इस चीज़ को रख लिया। जिस प्रकार भारतेंदु ने तत्ती समाज की स्थापना द्वारा समाज सुधार का कार्य किया, उसी प्रकार इन्होंने दंड सभा तथा ऋषि समाज की स्थापना करके समाज सुधार का कार्य किया। और इन्होंने इस कार्य को, यानी कि भारतेंदु जी के द्वारा जो ये कार्य चालू किया गया था, इसको इन्होंने और ज़्यादा विकास किया और एक और ऊँचे स्थान पर इन्होंने इस चीज़ को ले गए। ठीक है, आनंद कांदबिनी तथा नारी नीरत पत्रिका का प्रकाशन, तो आप इनका नाम याद कर सकते हो कि किन किन पत्रिकाओं में इन्होंने कार्य किया या फिर प्रकाश किया, मतलब प्रकाश इन्होंने किया था। और इससे हिंदी की जो साहित्य थी उसको किस तरह से और ज़्यादा कार्यों को इन्होंने और आगे बढ़ाया, वे परंपरागत विषयों से आरंभ कर नवीनता की ओर बढ़ने लगे। ठीक है, और इनकी जो रचनाएं होती थी ना, जैसे कि यहाँ पर बोला जाए राजभक्ति, देशभक्ति तथा हिंदी के प्रति अन प्रेम और हास्य संबंधित कविताएं होती थी। तो इनकी कविताएं जो है आप देख सकते हो कि इनकी कविताओं को दो संबंधित रचनाओं में रखा गया है। जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि पहला जो इनका संबंधित जो दिया हुआ है, जैसे कि राजभक्ति से संबंधित रचनाएं, तो इसमें ये जो इनकी रचनाएं थी ना, तो इसमें इन्होंने राज से संबंधित रचनाओं को लिखा है, जैसे कि हार्दिक, भारत, बधाई, इस तरह से इन्होंने रचनाएं और भी दिया गया, आप इसको याद कर सकते हो। और दूसरा जो है देशभक्तिपूर्ण रचनाएं, ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी रचनाएं हैं, जैसे यहाँ पर नाम दिया गया है, आप देख सकते हो पितर, प्रलाप, कल्ली, काल और भी बहुत सारी है, आप इनको नाम को और याद कर सकते हो। और इनकी एक और रचनाएं हैं, जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है हास्य संबंधित रचनाएं, यानी कि हास्य संबंधित जो रचनाएं होती थी इन्होंने, इसमें इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है हास्य बिंदु तथा होली की नकल। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएँ भी लिखी अपने समय में। ठीक है, और इनके मृत्यु का समय आप लिख सकते हो, जैसे कि 1923 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, आप इसको नोट कर सकते हो। ओके गाइस, तो ये रहा शॉर्ट नोट जो हम लोगों ने बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ओके, अब इसके बाद जो हमारे टॉपिक बचे हुए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके गाइस, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।